हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निरंकार पांडे। आई एम वर्किंग एज ए एसोसिएट प्रोफेसर इन फार्मेसी कॉलेज, दैट इज हाइजी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। टुडे इज 30 अक्टूबर 2023। आई वांट टू स्टार्ट अ शॉर्ट सीरीज ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज मेनली फॉर बी फार्मा स्टूडेंट, बीएससी स्टूडेंट and other graduate level examination. The first topic we covered in this video, that is error. Shortcut में सारे videos को बनाया जाएगा जिससे बच्चे easily revise कर सके। तो आज आप देखेंगे error के बारे में कि error क्या होता है। First video जो मेरा है जिसमें आप देखेंगे कि error क्या होता है। तो what is error? Error को पढ़ने के लिए हम लोग कई part में divide करते हैं। Number one, definition of error. Number one is definition of error. Number two is types of error. Number three is calculation. And number four is how to minimize error. Now see the definition. Definition बहुत simple है. Error means mistake. It is we can say that the difference between measured value and calculated value or actual value is called error. आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मेजर्ड वैल्यू, डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू आर कॉल्ड एरर। व्हाट इज द टाइप्स ऑफ एरर? इट्स थ्री टाइप्स। नंबर वन ग्रास एरर, नंबर टू रैंडम एरर, नंबर थ्री सिस्टेमिक एरर। सिस्टेमिक एरर को और बेटर समझने के लिए इसको थ्री पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एनवायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, थ्योरेटिकल एरर और लास्टली वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। बुक्स में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा लेकिन दीज टॉपिक आर एनफ फॉर द रिवीजन पर्पसेस। ओके, नाउ सी द ग्रॉस एरर। क्या होता है ग्रॉस एरर? ग्रॉस एरर इज आल्सो कॉल्ड ह्यूमन एरर और फिजिकल एरर। इज इज अराइज्ड ड्यू टू द ह्यूमन केयरलेसनेस और इट इज अराइज्ड ड्यू टू द एक्सीडेंटल ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हुआ है, इफ यू वॉन्ट टू मेजर 1.00 ml बट गलती से उसको हमने 100 ml लिख दिया, तो इसको ये आएगा आपको ग्रॉस एरर की कैटेगरी में। नंबर टू इज रैंडम एरर। व्हाट इज द रैंडम एरर? इट इज अराइज्ड ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंट। ये जो अनप्रेडिक्टेबल और फ्लक्चुएशन जो एक्सपेरिमेंट में होता है उससे ये अराइजेज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंटामिनेशन बाई डर्टी ग्लासवेयर। ग्लासवेयर आपने यूज़ किया है, वो कंटामिनेटेड है, तो उसकी जो वो कंटामिनेशन है वो हमारे एक्सपेरिमेंट में मिक्स हो जाएगा जिससे हमको रैंडम एरर मिलेगा। नेक्स्ट हुआ है आपका सिस्टेमिक एरर। सिस्टेमिक एरर फर्दर इसको समझने के लिए सिस्टम के द्वारा जो एरर पैदा होता है उसको हम लोग सिस्टेमिक एरर बोल सकते हैं। सिस्टम हमारा इन्वायरमेंट हो सकता है, उसको ऑब्जर्वेशनल हो सकता है, जिस जो ऑब्जर्वर स्टडी कर रहा है, जो केमिस्ट्री स्टडी कर रहा है, तीसरा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है और लास्टली थ्योरेटिकल हो सकता है। तो एनवायरमेंट एरर में जो हमारा लैब है, जो प्रॉब्लम है, उसका एनवायरमेंट का क्या इफेक्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड अदर थिंग्स। व्हाट इज द ऑब्जर्वेशनल वैल्यू, ऑब्जर्वेशनल एरर। इन दिस एरर वी कैन ऑब्जर्व the wrong reading, yeah, we can write the reading incorrectly. Next है आपको instrumental error. This is cause inaccuracy use of the inaccuracy uses of instrument. Instrument के use अगर आप गलत तरीके से करते हो या उसका आप calibrate नहीं करते हो glassware, then we see the systemic errors due to instrument. Lastly theoretical error. Theoretical error जो experimental का procedure है, एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर है, उसको आप गलत तरीके से कैसे नोट करते हो, कि सफिशिएंट डेटा आपके पास नहीं है, उससे भी आपका रिजल्ट गलत आ सकता है, एरर पैदा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में यू सी द कैलकुलेशन एंड हाउ टू मिनिमाइज एरर। ओके, थैंक यू वेरी मच। होप